मात्र 35 डेज में पैसा डबल, वो भी एक नंबर। ना कोई इलीगल काम, ना कोई सट्टा या जुआ, बिना किसी स्किल के और बिना किसी मेहनत के। तो क्या कोई जादू होने वाला है? हाँ, ऐसा ही समझ लीजिए, मैं बात कर रहा हूं बिटकॉइन की। आप इसे मजाक ना समझे, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। 10 दिसंबर 2020 को बिटकॉइन की वैल्यू 18,035 डॉलर थी, और जनवरी 14, 2021 मात्र 35 डेज में बिटकॉइन की वैल्यू 36,790 डॉलर हो गई। आप सोचते होंगे कि लाखों का काम है तो ये रईसों का होगा, पर नहीं, बिटकॉइन आप फ्रैक्शन में भी खरीद सकते हैं। यहां तक कि आप मात्र 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट से भी शुरू कर सकते हैं। अब चाहे भले आप लो सैलरी रेंज वाले एम्प्लॉय हो या पॉकेट मनी पाने वाले स्टूडेंट, आप लोग भी ये खेल खेल सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि आप बिटकॉइन कहां से खरीद सकते हैं? तो मैं माफी चाहूंगा, मैं यहाँ किसी की मार्केटिंग करने नहीं आया हूं। मैं यहाँ पे आपको फैक्ट्स बताऊंगा कि बिटकॉइन क्या होते हैं, उनका इंडिया में लीगल स्टेटस क्या है, कौन इसको ऑपरेट करता है, कैसे इसमें इतना रिटर्न है, क्या इसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व है, अगर है तो कितना बड़ा। ये सब जानने के बाद आप डिसीजन बना पाएंगे कि आपको बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। तो चलिए जानते हैं, पर जानने से पहले मैं आपको एक गुजारिश करना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। चलिए जानते हैं। नमस्ते, मेरा नाम प्रणय भगत, साइबर लॉ एंथुजियास्ट, टेक्नो लीगल एडवाइजर और लॉ स्टूडेंट। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है, इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। इसे आप ऑनलाइन ही खरीद सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, बेच सकते हैं। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, यानी इसमें कोई गवर्नमेंट, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन का ना तो कंट्रोल है और ना ही कोई गारंटी। बताया जा रहा है कि 31 अक्टूबर 2008 को सतोशी नाकामोटो नामक एक व्यक्ति ने क्रिप्टो करेंसी को ऑनलाइन पब्लिश किया और बिटकॉइन का एक एल्गोरिथम सेट करके उसकी लिंक ऑनलाइन अपलोड कर दी। एल्गोरिथम में कुछ टफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के बाद बिटकॉइन जनरेट की जा सकती है। इस प्रोसेस को बिटकॉइन माइनिंग कहते हैं। अब ये सतोशी नाकामोटो साहब कौन है और कहाँ है, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी का इन्वेंशन इतना पॉपुलर हुआ हो और उसे कोई जानता ना हो। खैर, जनवरी 2009 में पहला बिटकॉइन जनरेट किया गया, तब उसकी वैल्यू 0 थी, पर फिर भी कुछ लोगों ने मजे मजे के लिए बिटकॉइन जनरेट किया, जैसे हम गेम्स में पॉइंट कलेक्ट करते हैं। जैसे जैसे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, वैसे उसको सामान के लिए एक्सचेंज किया जाने लगा। सबसे पहला ट्रांजेक्शन बिटकॉइन का हुआ 2 पिज्जा के लिए 10,000 बिटकॉइन देकर। आज की डेट में उसका वैल्यूएशन करें तो 23.5 अरब उसकी वैल्यू है। हाँ, तो आज के टाइम में एक बिटकॉइन की वैल्यू 23,50,000 है, और ये हर 2 मिनट में फ्लक्चुएट होती रहती है। अब आप पूछेंगे कि इसकी रेट इतनी बढ़ कैसे रही है, तो बताया जा रहा है कि इसमें डिमांड एंड सप्लाई प्रिंसिपल काम करता है। टोटल बिटकॉइन जो सिस्टम से जनरेट किए जा सकते हैं वो है 21 मिलियन, और अभी तक 18 मिलियन जनरेट हो चुके हैं। लेकिन हम थोड़ा लॉजिक यूज करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए इसका हाइप क्रिएट किया जा रहा है। कौन हो सकते हैं जो ये हाइप क्रिएट कर रहे हैं? शायद आपको पता होगा कि जितना हम इंटरनेट को जानते हैं वो केवल 10% है, बाकी 90% तो डार्क वेब में काम चलता है, जहां सारे इलीगल ट्रांजेक्शन, इलीगल काम होते हैं। हम तो डार्क वेब में एक्सेस भी नहीं कर सकते हैं। दुनिया की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसी भी इसे पूरा अभी तक समझ ही नहीं पाई है। यही सारे इलीगल ट्रांजेक्शन बिटकॉइन में किए जा रहे हैं, तो इसे ट्रैक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गवर्नमेंट और किसी भी लॉ एजेंसी की पकड़ से बाहर है। दुनिया का सारा अंडरवर्ल्ड का ड्रग कार्टेल, टेररिज्म का इलीगल ट्रांजेक्शन बिटकॉइन में किया जा रहा है। लेकिन जब तक इसकी करेंसी आम लोगों तक नहीं आएगी तो उनका पर्पस सॉल्व नहीं होगा।
आम आदमी को क्या चाहिए, रातों रात करोड़पति बनने का रास्ता यदि कोई दिखा दे तो कोई भी उस पर चल पड़ेगा। यह भी बताया जा रहा है कि आजकल यूएस बैंक्स भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने लगे हैं। वो कर रहे हैं तो कुछ सोच समझ कर ही कर रहे होंगे। भैया जब अच्छा रिटर्न दिख रहा हो तो कौन इन्वेस्ट नहीं करेगा, और कस्टमर को अच्छा रिटर्न देने का कोई और सोर्स नहीं दिख रहा हो तो सोच समझ कहां चली जाती है, ये हमने स्कैम 1992 में देखा ही है। अब तो बिटकॉइन की तर्ज पर और भी क्रिप्टो करेंसी आ चुकी है मार्केट में, लगभग 2000 करेंसी बताई जा रही है। इंडिया में बिटकॉइन के बाद पॉपुलर वर्चुअल करेंसी है टीथर और इथेरियम नाम की। पर फ्रेंड्स जो भी हो, रिटर्न बहुत अच्छा आ रहा है और लोगों को तो बहुत ही मजा आ रहा है। पांचों उंगलियां घी में और सर कड़ाई में, ये कहावत बचपन में सुनी थी पर तब समझ नहीं आई, अब समझ आ रही है। इंडियन गवर्नमेंट भी चाहती है कि क्रिप्टो करेंसी के लिए कोई रेगुलेशन लाए, पर अभी तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आया है। इंडिया में 2016 और 17 में क्रिप्टो करेंसी की रेट बहुत हाई गई और साथ ही फ्रॉड भी बढ़ गए। जब शिकायतें बढ़ी तो गवर्नमेंट को भी विचार करना पड़ा। फिर 6 अप्रैल 2018 को आरबीआई ने अपने रेगुलेटेड बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ऑर्डर दिया कि वो क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजेक्शन को एंटरटेन ना करें और जो कंपनीज इसमें ट्रेडिंग करते हैं उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए जाएं। एक बार को तो इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ा शॉक लगा। उस समय इंडिया में बिटकॉइन का मार्केट $12.9 मिलियन था, तो वो सब कहां चुप बैठने वाले थे। मामला फिर गया सुप्रीम कोर्ट में। 4 मार्च 2020 को अपेक्स कोर्ट ने आरबीआई के नोटिफिकेशन को क्वेश्चन करते हुए कहा कि क्रिप्टो करेंसी के मामले में ना तो आरबीआई और ना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई जिम्मेदारी उठाएगा। लेकिन इसे करने से किसी को रोका नहीं जा सकता है, यह एक फंडामेंटल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी में सिटीजन को यह राइट दिया गया है। उसके बाद से फिर इस बिजनेस में बूम आ गया है। तो अगर नटशेल में किसी बिटकॉइन या किसी क्रिप्टो करेंसी की इंडिया में लीगल स्टेटस समझे तो क्या बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी इंडिया में इलीगल है? नहीं, वो इलीगल नहीं है, उसे हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या किसी तरीके के फ्रॉड में हम गवर्नमेंट एजेंसी को अप्रोच कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी गवर्नमेंट द्वारा अभी तक रेगुलेटेड नहीं है, इसलिए फिलहाल वो हमारी मदद नहीं कर सकते हैं। क्या क्रिप्टो करेंसी कंपनीज और एक्सचेंजेस गवर्नमेंट से लाइसेंस्ड हैं? नहीं। क्या क्रिप्टो करेंसी से होने वाली इनकम लीगल मानी जाएगी? हाँ, आपको बस उस इनकम को आपके इनकम स्लैब के हिसाब से उसका इनकम टैक्स पे करना होगा। आप जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें दो मेन फैक्टर होते हैं, पहला रिटर्न और दूसरा सिक्योरिटी। चॉइस अपनी अपनी हो सकती है, किसी को रिटर्न ज्यादा चाहिए होता है तो वो सिक्योरिटी को साइड में रखकर रिटर्न की परवाह करता है, और किसी को सिक्योरिटी की परवाह होती है तो वो सोचता है कि भले ही रिटर्न कम मिले या ना मिले तो भी चलेगा। क्रिप्टो करेंसी का रिस्क सिर्फ इतना ही नहीं कि वो केवल डिजिटल मनी है, फिजिकल फॉर्म में आपके पास कुछ भी नहीं होता है, ना ही रसीद ना ही रोकड़ा। इसके अलावा जो रिस्क इन्वॉल्व है वो भी देख लें। क्रिप्टो करेंसी जो कि आपके डिजिटल वैलेट में रखी हो या आप उससे कोई ट्रांजेक्शन करें, वो किसी भी लॉ या गवर्नमेंट बॉडी से रेगुलेटेड नहीं है। वैसे क्रिप्टो करेंसी की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं है। आपने जिस कंपनी के वैलेट में अपनी क्रिप्टो करेंसी रखी है, अगर वो भाग जाए, दिवालिया हो जाए या आपके वैलेट को कोई हैक कर ले तो सारा काम तमाम, जय सियाराम। क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू जिस फ्रीक्वेंसी से फ्लक्चुएट होती है उस पर स्पेक्यूलेशन लगाना बहुत मुश्किल है। ऐसा कोई नॉन फैक्टर नहीं है जो कि उसे इन्फ्लुएंस करे। रात को सोए तो बिटकॉइन की वैल्यू लाखों हो और सुबह उठते ही हजार हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है।
रात भर सपने में देखते रहे माय बिटकॉइन इज हिट कॉइन, और सुबह ही उठते पता चले कि माय बिटकॉइन इज अ शिट कॉइन। अगर आपको कोई कन्विंस करे कि बिटकॉइन में गारंटीड रिटर्न है तो समझ लेना कि वो आपको टोपी पहना रहा है। चाहे कोई कितना भी बड़ा प्रूफ दिखाए कि मुझे इतना फायदा हुआ है, या कोई सेलिब्रिटी इसे एंडोर्स कर ले, पर कोई भी फ्यूचर में होने वाले ट्रांजेक्शन की गारंटी नहीं लेता है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में डील करने का मन बना रहे हैं तो पूरी रिसर्च कर ले कि आपको किस क्रिप्टो करेंसी की जरूरत है और आप किस कंपनी के साथ डील करना चाहते हैं। पॉजिटिव फीचर्स तो वो आपको दिखा देंगे, पर नेगेटिव आपको खुद ढूंढने होंगे। ऑनलाइन सर्च करें कंपनी के साथ रिव्यू, स्कैम जैसे सब जोड़कर जांच पड़ताल करें। टोपी भाई आपको समझाएंगे कि जिस करेंसी की वैल्यू हाई हो गई है उसमें ग्रोथ कम होगी, तो आप नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, तो ऐसे में आप रिस्क फैक्टर को इवेल्युएट कर लें। जब भी कोई ऐसी नई स्कीम आएगी और लोगों में ईगरनेस होगी या क्रिएट कर दी जाएगी, तो ऑब्वियसली वहां फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाएंगे। वैसे ही क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में फ्रॉड चल रहे हैं जिसके बारे में आपको जानना जरूर चाहिए। फेक क्रिप्टो एक्सचेंज, अनेक ऐसे एप्स और एक्सचेंज हैं जो कि फेक वैलेट आपको दिखाएंगे, उसमें आपको ग्रोथ दिखाएंगे और मौका मिलते ही वो गायब हो जाएंगे। पोंजी स्कीम, कई ऐसी स्कीम है जो कि MLM पैटर्न से चलती है, उसमें मेंबर्स रहेंगे और नए मेंबर्स के पैसों से ही पुराने मेंबर्स को रिवॉर्ड देते जाएंगे और ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंस करते चलेंगे और प्रोडक्ट के नाम पर क्रिप्टो करेंसी के वैलेट की वैल्यू दिखाते रहेंगे। फेक क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी के जनरेशन, ट्रेडिंग, एक्सचेंज के लिए अभी तक हमारे कंट्री में कोई रेगुलेशन नहीं है, तो जो चाहे वो अपनी नई क्रिप्टो करेंसी शुरू कर सकता है। लगभग अभी तक मार्केट में 2000 क्रिप्टो करेंसी आ चुकी है। अब कौन सी कितने दिन टिकेगी और कौन सी कब गायब हो जाएगी पता ही नहीं है। मालवेयर स्कैम, फ्रॉडस्टर किसी तरीके से आपके क्रिप्टो वैलेट का पासवर्ड जानना चाहेंगे, उसके लिए आपके डिवाइस में लुभावने भरे मैसेज करेंगे, उसमें आपको एक लिंक देंगे। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके डिवाइस में मालवेयर डाउनलोड हो जाएगा और उससे आपके डिवाइस को हैक कर लेंगे। दोस्तों आप समझ ही सकते हैं, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, UPI इन जैसों के लिए तो रेगुलेटेड बॉडी भी है और लॉज भी हैं, फिर भी इतने सारे फ्रॉड होते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी के लिए तो अभी तक कोई रेगुलेशन ही नहीं है, वो तो एक रेड ओशन है। यदि आपका जवाब हाँ है तो मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आप इंटरनेट पर उसके बारे में और रिसर्च कर लें, और यदि आपको कोई और डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताएं। अगर आपको मेरी बताई हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।